हेलो एवरीवन, हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल फाइन। तो आज हम लोग घूमने आए हुए हैं आई लव वाइट। तो हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है ये देख के आपको पता लग रहा होगा, ये है फेरी स्टेशन। तो हम आए हुए हैं अभी पोर्टस्माउथ स्टेशन पे, जो कि यहाँ से हमें फेरी बोट करनी पड़ती है। आइल ऑफ वाइट एक डिफरेंट आइलैंड है यूके के अंदर, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली कार से नहीं जा सकते, तो आपको एक फेरी लेनी पड़ती है जिसमें आपकी कार पार्क हो जाती है और उसके बाद आपको 40-45 मिनट्स के डिस्टेंस से वो फेरी ले जाके वहाँ उस आइलैंड पे छोड़ती है। तो इसके लिए आपको जैसे ऑनलाइन टिकट्स बुक करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डिटेल डाल दी है कि क्या क्या आप कैसे बुकिंग कर सकते हो। हमने 3 एडल्ट और एक बेबी के लिए टिकट लिए जो कि हमें पड़ी है 81 pounds की। हाँ, इंक्लूडिंग कार। इंक्लूडिंग कार, तो कार ये रिटर्न टिकट है। आना जाना इस लगभग 20 pounds आना जाना ईच पर्सन। हाँ, तो बाकी आप अदर वेबसाइट पर जाएंगे तो महंगी भी पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से करेंगे तो सस्ती पड़ेगी। आपने इनकी वेबसाइट से किया ना? इनकी वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में डाली है, पर क्विक ओवरव्यू के लिए इनकी वेबसाइट है वाइट लिंक। तो अगर आप ऑनलाइन सर्च भी करोगे तो आपको वो डिटेल मिल जाएगी कि यही कंपनी है। जो कभी भी आपको लोकल फेरी पकड़नी है आइल ऑफ वाइट के लिए, तो आप उसमें सीधा आइल ऑफ वाइट डालें तो आपको लोकेशन पे पहुंचाएगी। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हमें बहुत कंफ्यूजन हुआ। हम इंटरनेशनल फेरी पे पहुंच जाएंगे, बोट पे पहुंच गए जहाँ पे इंटरनेशनल पोर्ट था, वहाँ से हम फिर हमें उन्होंने डायरेक्शन बताई। तो हम कौन से स्टेशन पे जा रहे हैं वैसे? कौन सा स्टेशन जहाँ पे फिशिंग क्या था वो? फिश बोन करके है। फिश बोन करके, तो आप डायरेक्ट लोकेशन डालेंगे तो सीधा आप फेरी स्टेशन पे पहुँचेंगे। लोकल फेरी अगर आपको लेनी है, हम इंटरनेशनल फेरी नहीं ले रहे तो लोकल ले रहे हैं, यूके के छोटा सा आइलैंड है तो वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ का व्यू अभी जब पहुँचेंगे आपको दिखाएंगे। हमारी गाड़ी हमारे पीछे खड़ी है बिल्कुल, यहाँ लेन बनी है तो हमारी हमें मिली लेन 20। तो लेन 20 बहुत सारी है, 27 तक है, नहीं और भी आगे बहुत सारी लेन है यहाँ पे। तो और ये पीछे का कितना अच्छा बैकग्राउंड है, यहीं से अभी चेक इन साथ में हुआ तो हमने बस एक यहाँ पे एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह सैंडविच वगैरह मतलब अपना ले सकते हो अगर आप घर से नहीं लेके आए। फिफ्थ फ्लोर पे, यहाँ पे इस फेरी में 5 floors है, तो ये फिफ्थ फ्लोर पे हम ऊपर बाहर भी गए थे और लेकिन वहाँ पे इतनी तेज़ हवा थी कि हम अंदर आ गए। अंदर इतना अच्छा सेटिंग अरेंजमेंट है, कैफे भी है जिसके अंदर हमें कॉफ़ी वगैरह सैंडविच वगैरह सब ईजिली मिल जाएगा, और बाहर का जो एरिया है वो भी बहुत अच्छा है। और मेरे यहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया भी है फिफ्थ फ्लोर पे, तो जैसे बच्चे वगैरह हो तो यहाँ पे खेल सकते हैं। प्लस इन्होंने थोड़ा वो एनिमल वाला वो फील दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे बर्ड्स वगैरह की फ़ोटोज लगा रखी हैं। और ये इनका प्ले एरिया है, किड्स का एरिया, ये भी बहुत क्यूट है। जैसे बच्चों को यहाँ पे छोड़ दिया और आप अपना देख रहे हो दूर से और इंजॉय कर रहे हो, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। ये फेरी बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा व्यू है अंदर का। बाकी नीचे भी सेम है फ्लोर पे सारे, तो ये हम फिफ्थ फ्लोर पे हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर्स है। तो हम ये सबसे ऊपर टॉप पे आ गए, इसके ऊपर भी है एक टेरेस टाइप का जहाँ पे हम थे अभी, वहाँ पे बहुत तेज़ हवा थी कि वहाँ पे आवाज़ ही नहीं बिल्कुल आती, तो हम अंदर आ गए फाइनली। तो फ्रेंड हम पहुँच गए हैं नीडल, ये छोटी सी सुई है, यहाँ से कार लिफ्ट होती है और नीचे जाते हैं। कार लिफ्ट होती है, इंसान लिफ्ट होते हैं, इंसान को लिफ्ट करके नीचे ले जाते हैं। और चेयर लिफ्ट, चेयर लिफ्ट, ये पीछे रही इतनी अच्छी सुंदर सी हिल,
क्या पता वीडियो में समझ आ रही नहीं आ रही, और इस बिल्कुल पीछे हमारे इधर 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 ये देखिए सी, सी दिख रहा है आपको? हमें तो दिख रहा है, बहुत अच्छा व्यू है। और क्योंकि वेदर आज बहुत एक्सट्रीम है तो वेदर की, और वेदर के पीछे देखिए पेड़ देखिए कैसे हिल रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने जो चेयर लिफ्ट है वो क्लोज कर दी है, क्योंकि उसमें मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी रीजन से उसको ये नहीं स्टार्ट कर सकते, इंसानी लिफ्ट हो जाता है उसमें से, इसलिए इन्होंने उसको स्टॉप कर दिया है। पता नहीं उड़ के कहाँ पहुँचता वो, सीधा सी में पहुँचते हैं, सी ऑफ हो जाता है उसका सीधा। चलो फिर नीचे चले, हम एक बीच आ गए, बहुत सुंदर सा बीच है, तो वो मैं अभी इसमें डाल दूंगा। बाल रुकते ही नहीं है, बाल अब तो भागते रहते हैं इधर उधर, मेरे बालों का भी जेल निकल गया फाइनली। अब आई थिंक तो किसी चीज से निकल पा रहा है, आवाज आ रही है ना। हाँ। तो पीछे देखिए व्यू दिख रहा है बीच का, बहुत अच्छा है और लहरें बहुत तेज है। तो आज का ब्लॉग यहीं फिनिश करते हैं, और थोड़ी देर में बैठेंगे, खाएंगे, फिर हम अपनी फेरी लेंगे वापस। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो, बाय।